Hello friends, welcome in our YouTube channel Get Solutions. आज मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि कैसे हम अपने मोबाइल डिवाइस को कंप्यूटर के बिग स्क्रीन पर कीबोर्ड या माउस से ही कम्प्लीटली ऑपरेट या कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ सर्च बार में टाइप कर लीजिए mobizen.com, देन एंटर। यह mobizen.com की एक वेबसाइट जो ओपन हो जाएगी। आप यहां से ये ऐप आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए और यह डाउनलोड मोबिजन फॉर पीसी, यह आपको कंप्यूटर में डाउनलोड करना है। तो मैं डाउनलोड पे क्लिक कर देती हूँ कंप्यूटर के लिए। अब ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है यहाँ पर। अब हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे। ये देखिए, यह इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। हम इसे फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। अब हम यूएसबी केबल से मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट करके मोबाइल की सेटिंग्स भी देख लेते हैं। सेटिंग ऐप पर हम क्लिक करते हैं। बिल्कुल बॉटम में हमें मिलेगा अबाउट फोन। एंड्रॉयड डिबगिंग या यूएसबी डिबगिंग सेम है, हम इसको ऑन कर देंगे। यहाँ पे आता है अलाउ यूएसबी डिबगिंग, तो हम इसे ओके कर देते हैं। तो ये हमारा डेवलपर ऑप्शन में यूएसबी डिबगिंग मोड इनेबल हो चुका है। प्ले स्टोर से यह सेम एप्लीकेशन मोबिजन मिररिंग ऐप डाउनलोड करने के बाद में हम इसे ओपन कर लेंगे। यह हमारी फर्स्ट स्क्रीन है, हम स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब हमें जिस भी ईमेल आईडी से हमें लॉगिन करना है, हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं और हम चाहें तो गूगल या फेसबुक से भी इसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी मेल आईडी से कनेक्ट कर देती हूँ इसे। यहाँ पर हम अपना पासवर्ड क्रिएट कर देंगे, देन नेक्स्ट, स्टार्ट मोबिजन। तो यह हमारी मोबाइल का नाम और ईमेल आईडी हमें यहाँ पर शो हो जाएगा। जो आईडी और पासवर्ड हमने यहाँ बनाया है, वह सेम आईडी और पासवर्ड से हमें इसे कंप्यूटर में कनेक्ट करना है। अब हम इस सॉफ्टवेयर को इस कंप्यूटर में ओपन कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मेरा मोबाइल यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट होने पर हमें इस टाइप का आइकन यहाँ पर शो होगा। हम इसको इस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं जैसे हम अपना पूरा मोबाइल ऑपरेट करते हैं। सारे एप्लीकेशंस को हम यहाँ पर रन कर सकते हैं। इस एरो पर क्लिक करने पर हमें काफ़ी सारे सेटिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ सेटिंग पे जाकर हम जनरल टूल्स, स्किन सेटिंग, अबाउट मोबिजन हेल्प, जो भी हमें रिक्वायर्ड है हम उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर हमें फाइल ट्रांसफ़र का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे मुझे ये फाइल ट्रांसफ़र करनी है तो मैंने यहाँ पर पेस्ट किया और यह ऑटोमेटिकली यहाँ पर जाकर के सेव हो जाएगी। अब मुझे यहाँ पर कुछ स्क्रीन पर ड्रॉ करना है तो मैं यहाँ से पेन लेकर के इसको ड्रॉ भी कर सकती हूँ। राइट क्लिक करके मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे कलर चेंज के ऑप्शन है, ठीक है। अब यदि हमें कोई स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है तो हम यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं, और यदि हमें स्क्रीन शॉट लेना है तो हम यहाँ से स्क्रीन कैप्चर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस इस सॉफ्टवेयर की तरफ से मिलते हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक वीडियो को प्ले करके देख लेते हैं कि ये किस तरीके से फुल स्क्रीन पर आएगा। तो हम एमएक्स प्लेयर ओपन कर लेते हैं। यह देखिए, ये यहाँ पर जो वीडियो है यह प्ले हो गया है।
यदि हमें इस वीडियो को फुल स्क्रीन पर देखना है तो हम कंट्रोल प्लस एंटर दबाएंगे और यह है फुल स्क्रीन में आ गया। यदि हमें बाहर जाना है तो हम एस्केप दबा देंगे। और यदि हमें इस स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा करना है तो हम यहाँ पर इसको रिसाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें बैक बटन, होम बटन, पावर बटन, ये सभी तरह के ऑप्शंस हमें यहाँ मिल जाते हैं। इस तरीके से आप अपने मोबाइल को कंप्यूटर की बड़ी स्क्रीन पर पूरी तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, जिस तरीके से आप अपने मोबाइल को ऑपरेट करते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे ही और भी टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए हमारे चैनल को यहाँ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके तुरंत सब्सक्राइब करें और यहाँ बेल के आइकन पर क्लिक करके उसे तुरंत इनेबल करें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।